लव जिहाद तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब एक नया टर्म सामने आया है जिसका नाम है लैंड जिहाद। दरअसल जिहादी मुस्लिम एक बड़ी रणनीति के अंतर्गत देश के अलग अलग भागों में स्थित सरकारी जमीन पर पहले कब्जा करते हैं, फिर धीरे धीरे वो पूरा क्षेत्र ही मुस्लिम बहुल बन जाता है। इसकी दूसरी रणनीति यह है कि आबादी बढ़ने पर मुसलमान अपने लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की मांग करते हैं, सालों साल इसकी मांग करते हैं, फिर मानवता के नाम पर उन्हें कब्रिस्तान के लिए जमीन मिल भी जाती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब खुद मुस्लिम समुदाय उसी कब्रिस्तान की जमीन पर घर और दुकान बनाकर उस पर कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे पूरा क्षेत्र ही मुस्लिम बहुल बन जाता है। एक ऐसा ही मामला यूपी के कानपुर से आया है, जहां पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि खुद मुसलमानों ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर उस पर घर और दुकान बना लिए। अवैध कब्जों के कारण कब्रिस्तान का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। वक्फ संपत्ति में दर्ज इन कब्रिस्तानों से कई बार कब्जे हटाने की कोशिश की गई, लेकिन समस्या हल नहीं हो सकी। आपको बता दें कि पूरे कानपुर में छोटे बड़े 30 कब्रिस्तान हैं। अवैध कब्जों की वजह से कब्रिस्तान में कब्रों के लिए जगह सिमट गई है। स्थिति यह है कि कब्रों के ऊपर ही दुकानें और मकान बना लिए गए हैं। ईदगाह से कर्नलगंज की तरफ कब्रिस्तान की जगह कारखाने चल रहे हैं। छेदी शाह कब्रिस्तान की जगह पर बिरयानी और फर्नीचर की दुकानें हैं।